बांसवाड़ा पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खजूरी ग्राम पंचायत कार्यालय में दबिश दी, जहां सरपंच गोविंद की ओर से अवैध शराब और गैस सिलेंडर रखवाए गए थे। पुलिस ने 60 पेटी अवैध शराब और 38 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। वहीं सरपंच फरार हो गया और SP केसर सिंह शक्तावत ने बताया कि सरपंच की ओर से चुनाव में शराब बांटी जानी थी और इससे पहले पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। इस सूचना पर आबकारी विभाग और थानाधिकारी दानपुर को सर्च लेने के निर्देश दिए गए थे। यहाँ पर जब दोनों पार्टियां पहुंची तो यहाँ से उसकी भवन की चाबी नहीं मिली। सरपंच से संपर्क किया गया तो वो यहाँ से फरार हो गया। ग्राम सेवक से संपर्क करने पर वो भी मौके पर नहीं आया। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। मौके के हालात को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता भिजवाया गया और सर्च लेने पर 60 कार्टन अवैध शराब जो हरियाणा निर्मित है, उसके अलावा 20 बोतल भी हैं और एक कमरे में 28 भरे हुए सिलेंडर और 10 खाली सिलेंडर मिले हैं। इसके संबंध में सीजर की कार्रवाई की जा रही है।